सुनो ना, मम्मा को बोलो ना, घर पे जाना है। प्लीज तुम बात करो, मैं नहीं करूंगा। आप बोल दो, मैं नहीं बोल पाऊंगी। बोल दो। मम्मा, मैं सोच रही थी कि मैं घर जाया हूँ, वो पापा का भी बर्थडे है तो सोचा उनसे भी मिला हूँ। क्यों भाई, अभी तो गई थी 6 महीने पहले, कहीं नहीं जाना। और हाँ, तू चली गई तो ये घर का कामकाज कौन करेगा और मुझे दवाइयां कौन देगा? कहीं नहीं जाना, बोल दे घर पर सास बीमार है। अरे, खुशी का फोन है। हेलो। हेलो। हाँ मम्मा। हाँ बेटा, कैसी है खुशी? मैं अच्छी हूँ मम्मा, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। तू बता, तू कब आ रही है? अरे, तेरी बड़ी याद आ रही है। मम्मा अभी तो आई थी 15 दिन पहले, अब नहीं भेजेंगे 6 महीने तक। ऐसे कैसे नहीं भेजेंगे? अरे, मैंने बेटी दी है, कोई नौकरानी नहीं दी। तू रुक, मैं तेरी सास से अभी बात करती हूँ। परवीर, जरा खुशी की सास को फोन तो लगा। किसको कॉल लगाओ मम्मी? जब अनमोल बोल रही थी उसे घर जाना है, तब आप मना कर रहे थे। घर का काम कौन करेगा, दवाइयां कौन देगा? जब बात बेटी पे आई तो बुरा लग रहा है। जिस दिन बहू को बेटी की तरह समझने लग जाओगे ना माँ, उस दिन कोई भी बहू अपने घर बार बार नहीं जाएगी। अनमोल, अपना बैग रेडी करो, अपन घर चलते हैं। लेकिन मम्मा। अरे बेटी, कोई बात नहीं, मैं भी चल देती हूँ। तुम्हारे पापा का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे और उनसे मिल भी लेंगे।